हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे इसमें ब्रांड वीडियो पे। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फोन के बारे में जो आपको सितंबर के अंदर देखने को मिल जाएगी, उनकी प्राइस डेट, प्राइस एंड किस डेट को लॉन्च होने वाले हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, तो उन्हीं सब के बारे में हम आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो पूरी जरूर देखिएगा एंड ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फोन निकल गया था ओप्पो की तरफ से निकल गया था ओप्पो के सेवन। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं, आपको 6.4 इंच की फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पे हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 10 प्रो देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम इसकी चिपसेट या प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिल जाएगा, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। उसके बाद कैमरे की बात करते हैं, यहाँ पे आपको रियर में क्वाड कोर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के चार कैमरे देखने को मिल जाएंगे। अगर फ्रंट पे बात करते हो, फ्रंट में आपको सिर्फ एक ही कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 32 मेगापिक्सल का होने वाला है। यहाँ पे अगर हम इसके रैम एंड स्टोरेज वेरियंट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 8GB 128GB का स्टोरेज वेरियंट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको कोई डेडिकेटेड मेमोरी स्लोट डालने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 4025mAh की एक अच्छी बैटरी मिल जाती है, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको 21,000 के आसपास ही इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड जो हमें अभी डेट पता लगी है, 26 सितंबर तक ही आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आशा करते हैं 26 सितंबर तक ओप्पो इस फोन को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दें। तो हमारी लिस्ट का जो सेकंड फोन निकल के आता है, वीवो की तरफ से निकल के आता है वीवो Y70s। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 6.53 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। मतलब यहाँ पे आपको एमोलेड वगैरह डिस्प्ले नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड की तरफ से Android 10 Q देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे चिपसेट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको सैमसंग का एक्सिनोस 880 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस टाइम का काफी अच्छा प्रोसेसर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात करते हैं, यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के 3 कैमरे देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको सिर्फ एक ही कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टोरेज या वेरियंट की बात करें या रैम की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 8GB 128GB में वेरियंट देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। एंड इसमें डेडिकेटेड स्लोट नहीं डाल सकते आप, मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं डाल सकते, तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 4500mAh की एक अच्छी बैटरी भी देखने को मिल जाएगी, प्लस आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी हम डेट की बात करते हैं, ये आपको 16 सितंबर तक इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा एंड ये 21,000 के आसपास आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो हमारी लिस्ट का थर्ड फोन निकल के आता है, Xiaomi की तरफ से निकल के आता है Xiaomi Mi 10 Ultra। ये एक काफी अच्छा फोन है जो इंडिया में नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है, और हमने एक वीडियो और बनाई है यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल जाएगी, तो आप उसको वॉच कर लेगी। उसमें भी हमने कुछ ऐसे फोन बताए जो नेक्स्ट मंथ आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि काफी फोन लॉन्च होने वाले हैं। तो हमने 5-5 फोनों की सीरीज बना के आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको हम हर वीडियो में कुछ 5 ऐसे फोन बताते हैं जो लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में। तो हाँ, अगर चैनल पे आप नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अभी तक देख रहे हो, लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस Mi 10 Ultra की बात करते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन जो देखने को मिलती है 6.67 फुल HD AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो आपको इन स्क्रीन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 10 क्यू देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 865 पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे प्रोसेसर भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे कैमरा स्लॉट की बात करते हैं, आपके आपको रियर में क्वाड कोर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल एंड 12 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल के कैमरा स्लॉट देखने को मिलते हैं। अगर फ्रंट की बात करते हैं, यहाँ पे फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हम स्टोरेज वेरिएंट की बात करें और रैम की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 8GB 128GB का स्टोरेज वेरिएंट और रैम आपको देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर, पर इसमें भी आपको अलग से डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एंड यहाँ पे इसकी बैटरी की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 4500mAh की एक फास्ट चार्जिंग के साथ में बैटरी देखने को मिल जाती है, मतलब कि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके अराउंड प्राइस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 50,000 के आसपास ही इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा एंड 26 सितंबर तक ये इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं कि MI इस फोन को 26 सितंबर तक इंडिया के अंदर लॉन्च कर दे। तो यहाँ पे जो हमारे लिस्ट का फोर्थ फोन है, वो एक गेमिंग फोन होने वाला है, मतलब नोबिया रेड मैजिक 5S है। आपको पता है कि पहले भी नोबिया के फोन लॉन्च हुए थे जो कि एक गेमिंग फोन थे, तो ये भी एक गेमिंग फोन होने वाला है एंड काफी अच्छा फोन है। तो इस फोन का सही बताऊं तो मैं भी एक वेट कर रहा हूँ और देखते हैं इस फोन में आपको क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे हम इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.65 इंच की आपको
एक एमुलेट स्क्रीन देखने को मिलेगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 10Q का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कैमरे की बात करते हो, यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिलेंगे बैक में, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल के कैमरा स्लॉट देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का एक छोटा कैमरा देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे कैमरा इन्होंने थोड़ी सी कंजूसी की है, 8 मेगापिक्सल का ही है। चलो खैर कोई नहीं, कैमरे का तो काम है नहीं गेमिंग फोन के अंदर। तो उसके बाद अगर हम स्टोरेज वैरियंट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 8 GB 128 GB का स्टोरेज वैरियंट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको सेम नो SD कार्ड डालने का ऑप्शन मिलता है, मतलब SD कार्ड यहाँ पे आप नहीं डाल सकते फोन के अंदर। तो यहाँ पे बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है। अगर हम गेमिंग फोन की बात चले तो यहाँ पे इन्होंने बैटरी थोड़ी कम की है, तो हो सकता था 6000 mAh तक की इसमें बैटरी दे देते, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता था गेम के अंदर। तो यहाँ पे अगर इसके प्राइस की बात करें कि इंडिया में कितने प्राइस में लॉन्च होने वाला है, तो ये प्राइस बहुत ज्यादा होने वाला है, तो मतलब 40,000 के आसपास आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, एंड 22 सितंबर तक ये इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पे हमारी लिस्ट का लास्ट फोन निकल गया था फोन नंबर 5, तो यहाँ पे हमारी होनर की तरफ से निकल गया था होनर 20 यूथ एडिशन। अगर यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 6.3 इंच की एक एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिलेगा, बिल्कुल एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा वो केरिन 710F देखने को मिलेगा, और हाँ मानता हूँ यहाँ पे इन्होंने एंड्रॉइड 10 नहीं दिया, एंड्रॉइड 9 पाई दिया, जो कि काफी पुराना हो चुका है, पर हाँ ठीक है यार, हो सकता है अपडेट के बाद ये दे दे। तो देखते हैं क्या होने वाला है, क्या इसमें एंड्रॉइड 9 पाई देखने को हमें मिलेगा या एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, तो टाइम पे पता ही लग जाएगा। अगर यहाँ पे हम इसके कैमरे की बात करें तो सेम आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा स्लॉट देखने को मिलेगा। अगर फ्रंट में बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक ही कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम स्टोरेज वेरियंट की और रैम की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 4 GB 64 GB का स्टोरेज वेरियंट और रैम वेरियंट देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे आप अलग से मेमोरी कार्ड डाल सकते हो फोन के अंदर, अप टू 256 GB, मतलब 256 GB तक का आप मेमोरी कार्ड इसमें यूज कर सकते हो। एंड इसकी अगर बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, तो ये है इसमें, प्लस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद अगर प्राइस की बात करते हैं, थोड़ा कम प्राइस है इसका, 14,000 के आसपास आपको इंडिया के अंदर देखने को, ये आपको 5 सितंबर तक इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि होने इस फोन को 5 सितंबर तक इंडिया के अंदर लॉन्च कर दें। खैर आप अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन फोनों में से कौन सा फोन बेस्ट लगा, एंड वीडियो अभी अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।